ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्न भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 167 मा विनश्यत्वयं भोगः मा विनश्यत्वयं भोगः वर्धतामुत्तरोत्तरं वर्धतामुत्तरोत्तरं मा विघ्नः प्रतिबन्धन्तु मा विघ्नः प्रतिबन्धन्तु धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः यद्भावी न तद्भावी यदभावी न तद्भावी भावी चेन्न तदन्यथा भावी चेन्न तदन्यथा इति चिन्ता विशघ्नोऽयम् इति चिन्ता विशघ्नोऽयम् बोधो भ्रमनिवर्तकः बोधो भ्रमनिवर्तकः ज्ञानी के मन में भी इच्छा होती है। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि ज्ञानी के मन में भी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा का अनुसरण करना कि नहीं करना वो ज्ञानी के हाथ में है।
विद्वत जन स्वयं निर्णय करते हैं कि ये इच्छा की पूर्ति करनी है या नहीं करनी है। आप सब, और इसीलिए ज्ञानी और भ्रांत लोग जो है, जो संसारी है, जो संसार में सुख देखते हैं दुख देखते हैं, वो दोनों के मन में इच्छा है, दोनों के सामने प्रारब्ध के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप या अनिच्छा के अनुरूप या परेच्छा के अनुरूप उनके सामने भी भोग आते हैं। अब समझो, लेकिन जो भ्रमित लोग हैं वो क्या करते हैं, मा विनश्यतु अयम भोगः, कल देखा वो ऐसे इच्छा करते हैं ये भोग कभी शांत नहीं हो जाए, उनका नाश न हो, उतना ही नहीं वर्धताम उत्तरोत्तरम, आगे वो बढ़ते रहे, उनकी वृद्धि होती रहे और उनकी वृद्धि होती रहे। मा विघ्नः, किसी भी प्रकार से ये भोग के लिए मेरे जीवन में कोई विघ्न न आए, न प्रतिबंधस्तु, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न आए। अब देखो, धन्यः अस्मि अस्मादिति ब्रह्मः, अस्माद् भोगात्, इस भोग के कारण, कल देखा हमने भोग मानी मात्र भोजन नहीं है, धन है, घर है, गृह, धन, दारा, संबंध, संपत्ति, सत्ता, अब ये सब भोग है जिसके कारण हमारे मन में एक सुख की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, उसे भोग कहते हैं। नया घर लेके भी हमें आनंद होता है, घर में अगर पौत्र का जन्म होता है तो भी हमें आनंद होता है। आप देखो, तो जो संबंध जिसको हम कहते हैं वो भी भोग ही है। आप समझ, तो ये सब जो है उनकी वृद्धि होती रहे, उत्तर उत्तर आगे भी उनकी वृद्धि होती रहे। इतना ही नहीं, अस्मादेव भोगात अहम धन्यः, उनके मन में एक धन्यता की भावना आती है, स्वामी जी हम तो बस सेट हो गए। अब अंग्रेजी में कृतार्थता, धन्यता की जो भावना है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्वामी जी हमारा तो जीवन सब सेट हो गया, अपने को कृतार्थ मानते हैं। अब क्यों, इतने भोग है हमारे जीवन में, इतने संबंध है, इतनी संपत्ति है, इतनी सत्ता है, इतना ज्ञान है, इतना बल है। अब बल के कारण, संपत्ति के कारण हमारे मन में जो एक धन्यता का अनुभव होता है, और इसलिए कहते हैं इति ब्रह्मः, ये ब्रह्म है। आप जिस प्रकार से कृतार्थता की अनुभूति करते हैं, ये आप जिस प्रकार से धन्यता की अनुभूति करते हैं, वो ब्रह्म है आपका। क्यों, क्योंकि ये सब जो है अनित्य है, जड़ है। आप देखो, कलम ने देखा ब्रह्म मोह मानी क्या है, जो जहां नहीं है वहां हम देख रहे हैं, जड़ में कभी सुख नहीं हो सकता। आप समझो, जड़ कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता, लेकिन वही तो हम देख रहे हैं, सर्वजन वही देख रहे हैं और सब लोग यही कर रहे हैं, और उसको देख के हमें भी लगता है कि हमें भी वही करना है। उसने घर बनाया, हम भी घर बनाए, उसने विवाह कर दिया, हम भी विवाह कर दे। आप देखो, पूरा संसार इसी प्रकार से चल रहा है। आप समझो, ये ब्रह्म में ही पूरा संसार चल रहा है। कहां कहां हम, ये देखो, ये टीवी में भी हम देखते हैं ना, वो कहां कहां हमें भोग दर्शाते हैं। जो भोग हमारे मन में नहीं होता है, ये टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आती है, अब देखो वो देख देख के भी हमारे मन में भोग की इच्छा होती है। टीवी जो है हमारे मन में नए नए राग द्वेष उत्पन्न करते हैं। आप समझो, और इसीलिए ये सब भोग है, और ये भोग के कारण मैं धन्य हो गया, इस प्रकार के जो हम भावना मन में करते हैं उसे ही भ्रम कहते हैं। आप समझो, तो अब आगे के श्लोक में प्रसंगादस्य परिहार उपाय माह, उनकी निवृत्ति, ये भ्रम की निवृत्ति के लिए उपाय क्या है। आप देखो, यत यत अभाविम न तद्भावी, अब देखो जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आप कितने भी कर्म कर लो, आप कितना भी धन उपयोग कर लो, जो नहीं होना वो नहीं हो। यद भवितुम अयोग्यम तन्न भवेद, जो जो होना
अयोग्य है, जो होना संभव नहीं है वो कभी नहीं होगा। आप कितनी भी इच्छा कर लो, आप समझो इतना ही भावि चेन्न तदन्यथा भवितिम योग्यम चेद। अब देखो अगर होना ही है तो होके ही रहेगा, ये सीधा नियम है, आप समझो ये जगत का नियम है। जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा और जो होना है वो होके ही रहेगा, आप कितनी भी चिंता करो। और इसलिए कहते इति चिंता विषग्न अयम बोध भ्रम निवर्तक। अब प्रारब्ध के अनुरूप जो होना है वो होके ही रहता है और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। अब सुन इसमें हमारे मन को इतना चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो चिंता है वो क्या है, चिंता विषघ्न। आप देखो चिंता विषम हंती, आप देखो विषम इव, ये चिंता भी विष के समान है। शास्त्र में कहते हैं चिता और चिंता दोनों एक समान है, लेकिन चिता मात्र देह को दहन, देह का दहन करती है और चिंता देह और मन दोनों का दहन करती है। आप देखो और इसलिए कहते हैं ये चिंता जो है विष समान है। विषमिव स्वसंसृष्ट पुरुषस्य नाश हेतुत्वाद, विष क्या करता है, जो व्यक्ति उनका सेवन करता है उनका नाश करता है। उसी प्रकार से ये चिंता भी जो है हमारे मन को नष्ट करता है। तो चिंता रूपी विष से हमारे मन का, हमारे आनंद, हमारे सुख, हमारे संतोष, ये सब का नाश हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत चिंता करते हैं, अब क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले हम ट्रेन में प्रवास करते थे अधिकतर, तो जब हम ट्रेन में जाते थे तो ट्रेन लेट हो जाती थी। अब देखो अब देर से आने वाली है ट्रेन, अब देर से आने वाली है वो होना ही है, आप चिंता करो कि नहीं करो, वो 5 घंटा लेट है, 5 घंटा देरी से चल रही है, वो देरी से ही चलनी है। आप चिंता करेंगे तो क्या वो जल्दी चलेगी, नहीं। अब समझो तो जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आप समझो हम समझते हैं कि हम सब हमारे नियंत्रण, कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, क्या नियंत्रण में। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से हमें चिंतन करना पड़ेगा, इस प्रकार से हमारे ये हमारी बुद्धि में ये समझ लानी पड़ेगी। यद भावी न तद भावी, जो नहीं होना है वो नहीं ही होना है, जो होना है वो होके रहेगा। अब सब और इसलिए कहते हैं इति चिंता विषग्न अयम बोध, ये बोध हमें होना चाहिए, ये बोध, ये समझ हमारे मन में होनी चाहिए। ये बोध अगर हमारे मन में है तो फिर क्या होगा, भ्रम निवर्तक है। जिसको हम धन्यता समझते हैं, मैं हमेशा इसलिए कहती हूं जिसके प्रति हमारे मन में अभी राग है, थोड़े वर्षों के बाद उसी के प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाता है, द्वेष हो जाता है। हमारे मन जो है, हमारे मन में कोई निश्चित बात है ही नहीं, क्या कुछ बदल जाता है और इतना बदल जाता है कि हमारे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मैंने कैसे कितनी व्यक्ति देखी है, पहले क्या थे अब क्या है, बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। तो जो होना है वो होके ही रहेगा। हमारे राग द्वेष देखो, बाल्य अवस्था में हमारे जो राग द्वेष थे, युवा अवस्था में हमारे जो राग द्वेष थे, प्रौढ़ अवस्था में जो हमारे राग द्वेष है, आप देखो एक समान नहीं है, आप समझो वो बदलते रहते हैं। और इसीलिए इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, और ये जगत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते,
कि ये जगत का विरोध करके आप समझ रहे हो कि मैं ये जगत का विरोध करूंगा। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से विरोध करते हैं, अनेक प्रकार से आंदोलन करते रहते हैं, आप देखो, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जगत को अपनी इच्छा से चल ही रहा है। सरकार भी चल रही है, जगत भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, आप आंदोलन करते रहो, आप देखो, आप समझो, जगत का विरोध करके आप क्या करेंगे। आप युधिष्ठिर ने सोचा युद्ध नहीं करना है, भगवान को भी भेज दिया, दूत बना के भगवान को हस्तिनापुर भेज दिया, भगवान आप जाइए, भगवान कहे ठीक है जा रहा हूं। भगवान ने प्रमाणिक रूप से प्रयत्न कर दिए, कुछ नहीं हुआ, आप क्योंकि महाभारत का युद्ध होना ही था। श्री भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन में जाना ही था, कोई उसे रोक नहीं सकता। आप सब ये सब कथा के द्वारा हम क्या सोचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय ही गोकुल जाना पड़ा, भगवान ने जो स्थान छोड़ा, आप देखो एक बार गोकुल से वृंदावन से निकल के मथुरा आए, वापस वृंदावन नहीं गए, और मथुरा से भाग के द्वारिका आ गए, वापस मथुरा नहीं गए भगवान। अब देखो ये सब कथा जो है, कथा के द्वारा हमें ये समझना है कि जो होने वाला है वे होके ही रहता है, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार की चिंता जो हम कर रहे हैं, ये चिंता रूपी विष जो है उनको अगर निवारण करना है, अयम बोध चिंता विषघ्न है, ये चिंता रूपी विष को नाश करने वाला ये बोध है। भ्रम निवर्तक बोध, देखो ये दोनों विशेषण जो है बोध के लिए है, बोध मानी हमारी प्रज्ञा, हमारी समझ। ज्ञान एक बात होती है और समझ दूसरी बात होती है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ये वेजिटेबल्स है, ये सब्जियां हैं, वो ज्ञान है, लेकिन उनका प्रयोग कहाँ करना है, किस प्रकार से हमें उनका प्रयोग करना है, किस प्रकार से हम भोजन बनाते हैं, वो जो हमें समझना है, वो समझने की बात है। तो ये जगत का ज्ञान हमें है, ये परिवर्तनशील जगत है, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, आप समझो, इसीलिए तो उनको संसार कहते हैं, सम्यक सरति इति संसार, जो सतत परिवर्तनशील है। जिस प्रकार से नदी का प्रवाह जो है, प्रवाह बंद नहीं कर सकते, आप समझो, हम बंद बांधते हैं, डैम बनाते हैं, लेकिन डैम बनाने के बाद भी प्रवाह को तो हम नहीं रोक रहे हैं, उनकी दिशा बदल रहे हैं, प्रवाह को हमने उस दिशा में जाते हुए रोक दिया है, लेकिन प्रवाह को तो नहीं रोका हमने, अब देखो वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं, अब तुम, लेकिन उनको भी हम कहां तक करेंगे। अब देखो चीन में क्या हालत हुई, बहुत सारे डैम बना के रख दिए, अब एक के बाद एक, इतनी वर्षा हो रही है, इतना पानी आ रहा है कि वो एक के बाद एक डैम टूट रहे हैं, क्योंकि बहना ये पानी का स्वभाव है, और इसीलिए हम जो कर रहे हैं, अभी भी जो हम कर रहे हैं, आप समझो ये जगत में प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये जगत से विरुद्ध जा रहे हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं जगत से अगर आप विरुद्ध जाएंगे, ये काल का जो प्रवाह है, काल के प्रवाह से हम विरुद्ध जाने का प्रयत्न करेंगे तो नुकसान काल के प्रवाह को या जगत को नहीं होने वाला, जगत तो अपने आप चलता रहेगा, आप समझो, उनको कोई रोक नहीं सकता, जो नुकसान होगा वो हमें भरना पड़ेगा, और इसलिए कहते हैं यद अभावी तद न तद्भावी, जो नहीं होना है वो नहीं ही होना है, और जो होना है वो होके ही रहेगा। इस प्रकार का जो बोध है, अयम बोध, इस प्रकार के जो बोध, जो समझ हमारे मन में है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं शास्त्र,
भ्रम निवर्तक है, ये भ्रम की निवृत्ति कर सकता है। स्वामी जी कहे कि अगर ये आपको समझ में नहीं आता है कि जगत का आप विरोध करेंगे, जगत का परिवर्तन करने के आप प्रयत्न करेंगे, तो जगत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जो नुकसान होगा वो आपको होगा, क्योंकि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए स्वामी जी दृष्टांत देते थे कि कहीं से एक पुराना नीम का वृक्ष ढूंढ के निकाल, नीम जो होता है, नीम का जो वृक्ष होता है, वो वृक्ष का जो तना होता है ना, बहुत रफ होता है, क्योंकि वो जो उसके ऊपर जो त्वचा होती है वो टूट गई होती है, टुकड़े टुकड़े में होती है, बिल्कुल रफ होती है। तो स्वामी जी कहे कि आप शर्ट निकाल दो और उसको घिस दो। अब घिसने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, तना तो नहीं कर रहा है, आप करता आप है, तो घिसने का काम आप कर रहे हो, लेकिन घिसाई किसके ऊपर होगी? उनके ऊपर या आपके ऊपर होगी? आप स्वामी जी कहे कि 10 दिन तक वो शर्ट भी नहीं पहन सकता। क्यों? तना तो वैसा का वैसा ही है, जो नुकसान हुआ आपको हुआ। क्यों? क्योंकि ये जगत ऐसे ही है, आप समझ। और इसलिए कहते हैं ये अयम बोध है, ये जो बोध है, क्योंकि देखो ये कहने का मतलब अर्थ ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहो, नहीं, जो करने योग्य है वो आप करो, लेकिन करने के बाद अगर आप चिंता करते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप बहुत सारे लोग मैंने देखे जो व्यक्ति का विरोध करते हैं, हमने देखे, आप देखे गए, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव जैन कौन थे, आप देखे? सब व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। आप वो स्वभाव के लिए चिंता करेंगे, उनका कोई अर्थ नहीं है। अनावश्यक चिंता हम करते रहते, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करना नहीं, ये आपका काम ही नहीं है। आप ईश्वर का चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, शास्त्र चिंतन करो। स्वामी जी के पास एक अम्मा आती थी, अम्मा स्वयं पढ़ती थी वेदांत, आप समझो, उनके बेटे थे, बेटे के भी पुत्र पौत्र, सब पौत्र के नाम, पौत्र पौत्री के नाम स्वामी जी ने ही रखे थे, पूरे परिवार स्वामी जी के साथ था। लेकिन वो अम्मा को एक चिंता रहती थी, तो हमेशा स्वामी जी के पास आके रोती थी, वो बोले स्वामी जी ऐसा है, स्वामी जी वो ऐसा है, वो समझ नहीं रहा है। अब तो स्वामी जी ने कहा चलो ऐसा करो, गुरुकुलम में अभी प्रस्थान्तरी का अभ्यास चल रहा है, अध्ययन हो रहा है, आप भी यहां के रहो, छोड़ दो ये, वहां रहेंगे तो आपका मन उसी में लगा रहेगा। जब बच्चे छोटे थे, बच्चे युवान हुए, पढ़ाई हुई, तब तक वो सब ठीक था, वो चलता रहा। अब बच्चों के भी विवाह हो गए, बच्चों के यहां भी बच्चे हो गए, अब उनका परिवार हो गया, तो स्वामी जी ने कहा छोड़ दो उनको, अब आ जाओ आश्रम में। अब देखो वहां छोड़ के वो आश्रम में आ गई, फिर थोड़े दिन तो वो अम्मा जो थी घर पर फोन करके पूछती रहती थी, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, फिर वो जो हुआ वो आके स्वामी जी के पास रोती थी, स्वामी जी ऐसा हो गया, मैं वहां होती तो ऐसा करती। अब स्वामी जी ने देखा उनका मन वहां वहां जा रहा है, तो स्वामी जी ने क्या कर दिया, स्वामी जी ने देखा कि उनका मन जो है कहीं लगाना है। देखो ये बहुत समझने की बात, शास्त्र में लिखा है कि आपका मन जहां जा रहा है या जहां अटक गया है, उससे भी अधिक सुंदर, इससे भी अधिक रुचिकर,
वस्तु अगर आप पकड़ लेंगे तो वो छूट जाएगा। अब तो स्वामी जी ने कहा कि आप ऐसा करो, थोड़ा व्याकरण पढ़ लो। तो बोला स्वामी जी अभी ये उम्र हो गई, ये वही में क्या स्वामी जी हमको ये व्याकरण पढ़ने का कहते हो, अभी व्याकरण का कहाँ अध्ययन हम करेंगे। स्वामी जी बोला ठीक है, थोड़ा तो समझ में आएगा ना, लेकिन स्वामी जी मैं कहाँ पढ़ने जाऊं, वो जो क्लास चल रहा है वो व्याकरण के जो वर्ग चल रहे हैं उसमें तो मैं गई थी स्वामी जी, कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी जी बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी एक विद्यार्थी को कहती हूँ, ब्रह्मचारी को मैं कहता हूँ या ब्रह्मचारिणी को मैं कहता हूँ, वो आपको एक घंटा आधा घंटा कुछ समझाएंगे। अब एक ब्रह्मचारिणी को बोल दिया कि अम्मा के साथ थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा थोड़ा व्याकरण का अम्मा को बेसिक मुख्य जो मूल व्याकरण है वो पढ़ाओ थोड़ा। वो अम्मा को पढ़ाना आरंभ कर दिया, अ क्या है क, देखो ये व्याकरण बहुत सुंदर है आप समझो, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करे पूरा दिन, व्याकरण आरंभ कर लो, बहुत सुंदर है आप समझो। हमारी संस्कृत भाषा जो है शास्त्र संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ भाषा हमारी संस्कृत भाषा है। वो अम्मा पढ़ाई में लग गई, अब उनका मन उसमें लग गया, आनंद आने लगा उनको। क्यों? क्योंकि जो जो व्यवस्था जहां पर है, अब समझो हमारी बुद्धि जो है व्यवस्था जहां होती है, तर्क जहां होता है, वहां उन्हें आनंद आता है। अब उनको वहां आनंद आने लगा। फिर एक बार स्वामी जी से मिलने गई, कितने दिन तक वो स्वामी जी को मिलने नहीं गई, अब देखो नहीं तो हर दूसरे दिन वो स्वामी जी को मिलने जाती थी, रोती थी। अभी 7 दिन 8 दिन तक स्वामी जी को मिलने नहीं गई क्योंकि उसका मन वहां लग गया। फिर 8-10 दिन के बाद स्वामी जी पास ऐसे ही गई वो, बोले कैसे सर, स्वामी जी बहुत आनंद आता है। अच्छा हाँ स्वामी जी, वो संस्कृत भाषा है ना, उसमें जो वर्णमाला है वो वर्णमाला में पढ़ रही हूँ ना स्वामी जी, कितना बढ़िया है, बहुत आनंद आता। अब देखो अब विषय परिवर्तन करो, जहां है वहां से आप विषय परिवर्तन कर लो, कुछ और करो। अब देखो जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते उसको जैसा है वैसा छोड़ दो, लेकिन उसमें आपका मन मत लगाओ। क्यों? यद्भावी तदन्यथा, जो होना है वो उससे अधिक अन्य प्रकार से आप नहीं कर सकते, आप समझो। फिर उसी में आपका मन लगा के आप क्या कर रहे हो, कुछ और करो। रोज गीता का पाठ करो, गीता के श्लोक का कंठस्थ करो, विष्णु सहस्रनाम कंठ, कुछ करो। आप समझो इति अयम बोध, ये बोध है, आप समझो। ब्रह्म निवर्तक, हमारे ब्रह्म का निवारण करेंगे ये, क्योंकि ये जगत में होना है वो तो हो ही रहेगा, होके ही रहेगा, लेकिन हम हमारे मन को कैसे प्रसन्न रखें। देखो एक बात समझ लो, आपके मन को प्रसन्न रखना या नहीं रखना ये आपके हाथ में है। अगर आप सोचते हो कि इसके कारण मैं दुखी हूं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धरेद आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादय, अवसादनम मन क्या है, आपके मन को दुखी मत करो, आपके मन का पतन मत करने दो, आपको ही आपके आपका अपना उद्धार करना पड़ेगा, आप अपना पतन मत करो, न अवसादे। आत्मैव हि आत्मनो बंधुः, आत्मैव रिपुरात्मा, आप ही आपके शत्रु है, आप ही आपके मित्र है, आप समझ कर। अगर अयोग्य प्रकार से विचार करते रहेंगे, स्वामी महाराज श्री हमेशा कहते थे दुख तब भी आता है जब अयोग्य विचार मन में आते हैं, भ्रम मन में होता है, ब्रह्म कारण मोह के कारण ही दुख है, शोक का कारण मोह है, आप समझो ब्रह्म है। लेकिन अगर ये हमारे सामने जो है उसका हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमें दुख नहीं होगा, हम प्रसन्न रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे। और इसीलिए कहते हैं ब्रह्म निवर्तक अयम बोध, ये जो हम जगत में धन्यता अनुभव कर रहे हैं उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी, ये ब्रह्म है।
ये जगत आपको धन्य नहीं कर सकता है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शरणागति आपको धन्य कर सकती है, ब्रह्म ज्ञान आपको धन्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सब बुद्धिमान मनुष्येषु सकृत्स्न कर्म कृत कृत कृत्य, उनका सब हो गया है। ये कृतार्थता की जो भावना है वो ये जगत में हमें संभव नहीं है। आत्मज्ञान से ही ये कृतार्थता की भावना आती है, भगवान की भक्ति से ही कृतार्थता की भावना आती है, धन्यता की भावना आती है। बाकी जो हम धन्यता का अनुभव करें वो तो भ्रम है, और इसीलिए ये भ्रम की निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। तो बोले कि ठीक है, आप कह रहे हो कि विद्वत जन के जीवन में भी भोग आते हैं, अविद्वत जन के जीवन में भी इस प्रकार के भोग आते हैं, उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, और भोग के अनुरूप मन में इच्छा भी प्रकट होगी। तो ऐसा ननो विद्वत विदुषो हो उभयोर अपि भोगित्व अविशेषे एकस्य व्यसनम अपरस्य तुतन्न। दोनों के जीवन में भोग है, दोनों के जीवन में भोग के लिए इच्छा भी होती है। भोगित्व, भोगित्व माने भोगी, भोक्तापन। तो फिर एक का जन्म होता है माने एक को जन्म जन्म के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तन न अन्यस्य, अन्य जो विद्वत जन है उनको ये जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, ये पुनर्जन्म का चक्कर उनके लिए नहीं है, वो कैसे होगा। विपरीत ज्ञान सत्व असत्वाभ्याम तत् सिद्धि ही, तो कहते हैं कि उसका कारण ये है, एक के पास योग्य ज्ञान है, आप देखो वे दूसरे के पास विपरीत ज्ञान है। विपरीत ज्ञान लेके आप बैठे हैं तो जन्म जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। जिसके पास अयोग्य ज्ञान है, जिसके पास ये मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, देखो इसलिए कहा ना आगे हम देखेंगे अयम अस्मि इति पुरुषः अयम ब्रह्म अहम अस्मि। आप देखो ये ज्ञान है उनका, और ये ज्ञान के कारण उनके लिए ये पुनर्जन्म नहीं है, और जिसके पास ये ज्ञान नहीं है उनके लिए ये पुनर्जन्म का चक्कर जो है वो चलता रहेगा। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं समेपि भोगे व्यसनम, समेपि भोगे व्यसनम भ्रांतो गच्छेन्न बुद्धवान, भ्रांतो गच्छेन्न बुद्धवान अशक्यार्थस्य संकल्पात्, अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रांतस्य व्यसनम बहु, भ्रांतस्य व्यसनम बहु। समेपि भोगे, दोनों के भोग एक समान है, माने कि बाह्य परिस्थिति दोनों के लिए एक ही है। देखो बार बार मैं ये कह रही हूँ, उपाधि की दृष्टि से अगर आप देखते हैं, बाह्य परिस्थिति की दृष्टि से आप देख रहे हैं तो ज्ञानी विद्वत जन है और अविद्वत जन है, दोनों में समान ही है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं बाह्य कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, जगत तो वही का वही रहेगा, आपका वही जो है वही भी वही रहेगा, आपके शरीर में जिस प्रकार के रोग है वो रोग भी वही के वही रहेंगे। चिन्मयानंद के पास कोई जाता था बोलता स्वामी जी बहुत हेडेक होता है, तो चिन्मयानंद का एक ही उत्तर रहता था यू हैव हेडेक बिकॉज यू हैव अ हेड। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा हो रही है क्योंकि आपके पास मस्तिष्क है। शरीर है तो पीड़ा भी होगी, शरीर है तो रोग भी होगा, क्योंकि शरीर स्वयं विकारी है, जहां विकारी है वहां रोग की संभावना है ही। और इसलिए कहते हैं कि भोग तो एक समान है लेकिन व्यसनम भ्रांत गच्छेत, ये जन्म मरण के जो चक्र है वो जन्म मरण का जो चक्र है वो भ्रांत के लिए है, न बुद्धवान बुद्धवान ये पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ता है, जो भ्रांत है वो पुनर्जन्म के चक्र में पड़ता है। अशक्यार्थस्य संकल्पात, क्यों ऐसा होता है
अशक्यार्थस्य संकल्पात्, जो संभव नहीं है, जो शक्य नहीं है, उस प्रकार के हम संकल्प करते रहते हैं, और ये संकल्प के कारण ही हमें ये चक्र में पड़ना पड़ता है। आप समझो, अनेक प्रकार की भ्रांति करके हम बैठे, ये जगत में हम रमणीय बुद्धि करते हैं, जगत में हम सुख बुद्धि करते हैं, ये जगत में हम धन्यता की बुद्धि कर रहे हैं। अशक्य अर्थस्य, जो संभव नहीं है वो हम देख रहे हैं, और इसके कारण हमें जन्म पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं भ्रांतस्य व्यसनं बहु, और इस प्रकार से जो भ्रांत लोग हैं उनके जन्म मरण के चक्र में भी पड़ना पड़ता है, वो व्यसनं बहु। आप देखो, व्यसन का दो अर्थ होता है, एक दुख भी होता है और जन्म भी होता है, तो वो दुखी भी होता है। आप देखो, जो अज्ञानी है वो जन्म मरण के चक्र में भी पड़ता है, दुखी भी होता है, लेकिन प्रतिकूलता जो है वो प्रतिकूलता विद्वत जन को दुखी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अशक्य से अर्थस्य आप देखो संकल्पात, हमारा संकल्प ही है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते संकल्प माने निश्चय। होल ह्यूमन लाइफ इज सीरीज ऑफ डिसीजन। आप देखो, आपका संकल्प क्या है, आपका निश्चय क्या है, संकल्प से ही ये सब उत्पन्न होता है। आप समझना ठीक से है। इसलिए भगवान कहते सर्व संकल्प सन्यासी। आप देखो, ज्ञानी जन कौन है? सर्व प्रकार के संकल्प का जिसने त्याग कर दिया। और अज्ञानी कौन है? अशक्यार्थस्य संकल्पात्, जो जो संभव नहीं है उसी प्रकार के हम संकल्प करते रहते हैं, अयोग्य संकल्प करते हैं, अयोग्य निश्चय करते हैं, तो अयोग्य निश्चय के कारण, अयोग्य संकल्प के कारण वो दुखी होते हैं, वो जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं। इसलिए भीष्म पितामह भी कहते हैं काम जानामि ते मूलम, हे काम, हे इच्छा, तेरा मूल क्या है मैं जानता हूं। संकल्पाखिल जायसे, आपकी उत्पत्ति संकल्प से ही होती है। ना हम संकल्प इष्यामि, मैं कोई संकल्प ही नहीं करूं। ये न त्वम जायसी, जिसके कारण आप उत्पन्न हो सकते हो। आप संकल्प ही क्यों करते हो? ये सुखी है, ये दुखी है, ये सुख है, ये दुख है, ये आप किसी के बारे में कोई संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, जो जैसा है वैसे स्वीकार कर लो। सर्व संकल्प सन्यासी, आप देखो हम संकल्प अशक्यार्थ संकल्प, जो संभव नहीं है ऐसे ऐसे संकल्प करके हम बैठ जाते हैं, जो जो संभव ही नहीं है, जो शक्य नहीं है, जो सत्य नहीं है जगत, उसको सत्य मान के हम चल रहे हैं, मिथ्या जगत को सत्य मान के हम चल रहे हैं, यह पहला संकल्प ही हमारा अयोग्य है। आगे इसलिए मैंने कहा महाराज श्री हमेशा कहते थे अयोग्य संकल्प के कारण, अयोग्य विचार के कारण ही हम दुखी होते हैं। भगवान वही तो कहते अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए अर्जुन तू शोक कर रहा है। अब देखो, तो हमारी सोच ही अयोग्य है, हमारा संकल्प ही अयोग्य है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। बाहर तो जगत जो प्रारब्ध के अनुरूप है वो वही है। हम आके देखेंगे ईश्वर ने भी न शक्य, भगवान भी ये, ईश्वर भी ये प्रारब्ध को नहीं बदलते। आप देखो कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान कभी नहीं जाते। कर्म के सिद्धांत के अनुरूप आपके जीवन में जो होना है वो होके ही रहेगा, लेकिन आप अयोग्य संकल्प करते रहेंगे, जो संभव नहीं है ऐसे अमिथ्या संकल्प आप करते हो, आपके संकल्प से ही आप दुखी होते हो। छोड़ दो ये संकल्प, आप
अगर संकल्प करना ही आप छोड़ देंगे, कोई संकल्प ये ऐसा है ये वैसा कुछ नहीं है। वे हमेशा कहते हमें अन्य के प्रत्य एक विशेष प्रकार का संकल्प करने की आदत बन गई है, और इसीलिए कहते हैं इसलिए ये लोग दुखी होते हैं, इसलिए उनको पुनर्जन्म में जाना पड़ता है। जो अज्ञानी बुद्ध जो है बुद्धिमान, आप देखो बुद्धिमान लोग जो है वो ये संकल्प नहीं करते हैं, कोई संकल्प मत करो। मैंने देखा लोग ऐसे ऐसे संकल्प करके बैठ जाते हैं, फिर ऐसे दुखी होते हैं। संसारी नहीं, साधु लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। साधु जीवन आप अपना लिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे गलत गलत संकल्प करके बैठ जाते हैं कि वो स्वयं भी दुखी होते हैं, आपके आसपास के लोग को भी आप दुखी करेंगे। आप इसलिए भगवान कहते हैं अशक्यार्थ संकल्प, ये संकल्प से ही सब चल रहा है। आपने संकल्प करके रखा है कि ये सुख है, आपने संकल्प करके रखा है ये दुख है, ये आपका निश्चय है। बाहर कोई सुख दुख है ही नहीं, सुख दुखस्थ न कोपि दाता। आप देखो वाल्मीकि रामायण में भगवान स्वयं लक्ष्मण को कहते हैं सुख दुख देने वाला कोई है ही नहीं, सुख दुखस्थ न कोपि दाता, देने वाला कौन है, कोई नहीं है। परो ददाती थी कुबुद्धि ही, अन्य के कारण मैं दुखी हूं, इसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण मैं दुखी हूं, ये कुबुद्धि है। स्वयमेव इति मोह, नहीं नहीं मेरे कारण मैं ये गलत हूं, कुबुद्धि ही, अयोग्य विचार है ये। तो फिर बोलेंगे ये तो सब देख रहे हैं ना हम लोग कि इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कपट करके रखा कि जिसके कारण इसके जीवन में इस प्रकार की प्रतिकूलता आई, और आप कह रहे हो कि और कोई नहीं है देने वाला। भगवान राम कहते हैं तो फिर ये जो हो रहा है वो क्या है, स्वकर्म सूत्र ग्रथित जंतु हो, आप कहते स्वकर्म सूत्र ग्रथित, ये कर्म का जो सूत्र है ना सबको बांध के रखता है, ग्रथित जंतु, ये कर्म का जो सिद्धांत है ना वे प्रारब्ध कर्म जो है कोई नहीं बदल सकता। अब सुन तो अयोग्य अशक्य अर्थ संकल्प, जो मिथ्या अर्थ, अर्थ माने विषय, जो विषय आपको सुख नहीं दे सकता है उनके प्रति आपने संकल्प करके रखा है, जो विषय आपको दुखी नहीं कर सकता है उनके बारे में भी आपने एक प्रकार से संकल्प करके रखा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये संकल्प ही तो आपको दुखी कर रहे हैं, छोड़ दो। स्वामी जी इसके लिए कहते हैं नॉन जजमेंटल, आप देखो किसी के बारे में कोई संकल्प मत करो। स्वामी जी ये बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग स्वामी जी के पास जाते कहते स्वामी जी ये जो है ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है अच्छा। फिर एक अनुभव उसको ऐसा हो जाता है कि बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा भी बन जाता है। अब समझो, और इसीलिए भीष्म पितामह कहते नाहम संकल्प इच्छा, मैं कोई संकल्प नहीं करूंगा। संकल्प करेंगे तो इच्छा उत्पन्न होगी, इच्छा होगी तो भोग होगा, और भोग करके दुखी होंगे हम। और इसलिए कहते हैं ये जो भी हमारी समस्या है वो समस्या क्या है, अशक्यार्थ वो संकल्पात। अब देखो जहां पर जो मिथ्या पद अशक्यार्थ मान, जो मिथ्या पदार्थ है, जहां सुख दुख नाम का कोई बात है ही नहीं, उसके बारे में हम संकल्प करके बैठ गए हैं और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो कहीं कोई संकल्प नहीं करता, कोई व्यक्ति है, परिस्थिति है, देश है, काल है, आप देखो किसी के बारे में कोई संकल्प मत करो।
देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति विषय किसी के बारे में, यही अच्छा है कौन कहता है। देखो हमेशा मैं इसलिए कहती हूं, ये दो शब्द हमारे मन में से निकल जाने चाहिए, हमारी जो शब्दावली हमारी मन में जो है ना, गुड और बैड, ये अच्छा है ये बुरा है, अब निकाल दो उनके उनके स्थान पर ये और दो शब्द चाहिए, योग्य अयोग्य। ये योग्य है ये अयोग्य है, योग्य है तो स्वीकार करो, अयोग्य है तो उनको छोड़ दो। अब सब भोजन भी आप देखो, योग्य है तो भोजन करो, अयोग्य है तो उसको छोड़ दो, लेकिन छोड़ नहीं सकते ना क्योंकि संकल्प है। आप समझ गए, राग द्वेष भी संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं, आप समझना, आप संकल्प नहीं करेंगे तो कोई राग द्वेष नहीं होगा। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि भारती तीर्थ मुनि कहते हैं अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रांतस्य व्यसनं बहु। जो अज्ञानी जन जो भ्रांत लोग हैं उनके जीवन में बहुत प्रकार के दुख होते हैं, बहुत प्रकार की प्रतिकूलता होती है, क्यों, क्योंकि जो अशक्य है उस प्रकार के संकल्प करके वो बैठ गए हैं। संकल्प ही छोड़, अब सर्व संकल्प संग, जिसने ये सर्व प्रकार के संकल्प का त्याग कर दिया, जगत के बारे में आपका कोई अभिप्राय की आवश्यकता है ही नहीं। एक दृष्टि से जिसको आप अच्छे कहेंगे वो दूसरी दृष्टि से पूरे बन जाएंगे। तो हमारे जीवन में योग्य और अयोग्य होना चाहिए, जिसको शास्त्र में धर्म कहते हैं, धर्मयुक्त है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। आप अगर ये अधर्म है तो छोड़ दो, लेकिन अपने राग द्वेष का इतना प्रभाव है हमारे मन में कि अधर्म होते हुए भी हम उसे नहीं छोड़ सकते, हम समझते हैं फिर भी नहीं छोड़ सकते। और इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी जन दुखी होते रहते हैं, समय भोगे भी दोनों के जीवन में एक समान है, लेकिन एक दुखी होता है, इसको एक को जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है, दूसरे जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता क्योंकि वो संकल्प करता ही नहीं। और इसीलिए ये संकल्प ही हमारे अयोग्य संकल्प जो है वही हमें ये जन्म मरण के चक्र में ले जाती है, वही हमें दुखी करते हैं। और इसलिए कहते हैं जो विद्वत जन है जो ज्ञानी जन है उनका संकल्प अलग प्रकार से है। आप देखो उनका संकल्प क्या है, ज्ञानी जन का बोध क्या है जिसके कारण वो दुखी नहीं होते हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं मायामयत्वं भोगस्य मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थाप उपसंहरन् बुद्ध्वास्थाम् उपसंहरन् भुञ्जानोऽपि न संकल्पम् भुञ्जानोऽपि न संकल्पम् कुरुते व्यसनं कुतः कुरुते व्यसनं कुतः। भुञ्जानोऽपि न संकल्पम् कुरुते, कोई संकल्प मत करो, भोग करो आप, कोई संकल्प मत करो। आपके सामने जो आया है स्वादु अन्नम न तु याच्छताम, आप क्यों मायामयत्वम भोगस्य, दो बात है, एक है मायामयत्व मिथ्यात्व, ये जगत मिथ्या है तो मिथ्या जगत में सुख या दुख नाम की कोई बात है ही नहीं। बुद्ध्वा अस्थाम उपसंहरन, अब देखो अस्थाम, अस्थाम माने आसक्ति, ये जगत मिथ्या है और इसलिए जगत के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति जो है उनका उन्हें नाश कर दिया, छोड़ दिया, उपसंहरन कर दिया। अब देखो
आसक्ति की निवृत्ति हो गई, कहीं पर भी आसक्ति नहीं है। वीतराग भय क्रोध है, न राग है न भय है न क्रोध है, आप समझो। संकल्प से ही राग होगा, संकल्प से ही भय होगा, संकल्प से ही क्रोध होगा। संकल्पम न कुरुते, कोई संकल्प नहीं कर, भोग करते बुंजानो पे, ये जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो करते रहते हैं। शरीर भगवान इसलिए कहते हैं शरीर यात्रा पी न चेत, ये शरीर जो है प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो प्रारब्ध प्राप्त हुआ है उनके अनुरूप वो कर्म करते रहे, बुंजानो पे न संकल्पम कुरुते, किसी भी प्रकार के वो संकल्प करते ही नहीं। इसलिए दो बात, मायामय तुम जगत, जो जगत है वो मिथ्या जगत है, बुद्धवा जान के उनके साथ किसी भी प्रकार की आसक्ति वो नहीं करते। इंद्रियार्थे सुवैराग्य, अब देखो भगवान कहते हैं असक्तम असक्तम, कहीं भी आसक्ति नहीं। और मायामय तुम बुद्ध, दो बात है, आप देखो कहीं आसक्ति भी नहीं करते हैं और मायामय तुम माने कि ये जगत है ही नहीं, मिथ्या है। हम आगे देखेंगे निधिध्यासन में ये जगत के मिथ्यात्व का भी बोध हमें होना चाहिए। अब जब जगत के मिथ्यात्व का बोध हो जाएगा फिर वहां राग द्वेष की कोई संभावना रहेगी ही नहीं। लेकिन प्रारब्ध कर्म के अनुरूप गुंजानोपी, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उसके जीवन में जो भी भोग प्राप्त होते हैं वो भोग करते हुए भी न संकल्पम कुरुते व्यसनम कुतः, फिर उसके जीवन में दुख कैसे आएगा, जन्म मरण के चक्र कैसे आएगा। अब संकल्प करेंगे तो आएगा ना, न संकल्पम कुरुते, आप कोई संकल्प मत करो, जो सामने आया उसे स्वीकार कर। और इसलिए कहते हैं कि बुद्ध जन जो है, ज्ञानी जन है, उन दो वो दुखी नहीं होते हैं क्योंकि उनको ये जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया है और बुंजान पे प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए भी कोई संकल्प नहीं करते हैं और इसलिए वो दुखी नहीं होते। हमने देखा है स्वामी जी को, स्वामी जी के जीवन में अनेक प्रकार के लोग आते थे, कभी भी स्वामी जी किसी के बारे में कोई संकल्प नहीं करते, भोजन हो या व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, कोई संकल्प नहीं। आया, आपने उनके साथ व्यवहार कर दिया, छोड़ दिया। अब सुन, जो आए उनको स्वीकार कर लो, जो जा रहे उसको छोड़ दो, कोई आसक्ति नहीं करनी। स्वामी जी के इतने सारे मैंने देखे, पहली बार मैं 83 में स्वामी जी को मिली थी और स्वामी जी के साथ रहने का भी मुझे संयोग थे, ऐसा प्रारब्ध था, भगवान की ऐसी कृपा थी कि स्वामी जी के बहुत समीप रहने का मुझे मिला, तो मैंने समीप से स्वामी जी को देखा है कि सबके साथ व्यवहार कर। कई बार ऐसा होता था कि जो व्यक्ति के साथ स्वामी जी बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते थे वो व्यक्ति स्वामी जी के सामने बहुत अच्छा बन के रहता था, बहुत अच्छे, और कोई जाके स्वामी जी को बोल भी देता था कि स्वामी जी ये व्यक्ति तो ऐसा ऐसा करती है, ये व्यक्ति ऐसा ऐसा काम कर रही है। जानने के बाद भी वो व्यक्ति को तो स्वामी जी जानने भी नहीं देते थे कि तेरे बारे में मैं सब जानता हूं। अब देखो स्वामी जी कह, मुझे एक बार कहा कि हमारे सामने व्यक्ति जिस प्रकार था है उसी प्रकार से उसको पकड़ लो, छोड़ दो, हमें क्यों हमारे दिमाग को बिगाड़ना है, वो जैसा है वैसा है, उसके बारे में अगर मैं चिंता करूं। मेरा श्री अलग प्रकार से कहते हैं कि अगर कोई ऐसा है, आप समझो, तो किसी ने आपको आके कहा, आपने तो स्वयं प्रत्यक्ष तो जाना नहीं है, वो किसी ने आके आपको कुछ कह दिया, वो कामी है, वो क्रोधी है, वो लोभी है, अब देखो वो कोई भी बात कर, तो वो क्रोधी है अगर आपने सोच लिया
किसी ने बता दी? स्वामी जी वो बहुत क्रोध करता है। ठीक है, महाराज श्री कहते हैं अगर वो बहुत क्रोध कर, आप सोचेंगे तो आपके मन में तो क्रोध आया कि नहीं आया, क्रोधाकार वृत्ति हुई कि नहीं हुई। अब देखो पुष्प को देख के पुष्पाकार वृत्ति होती है, तो पुष्प का चिंतन करेंगे तो पुष्पाकार वृत्ति होगी, क्रोध का चिंतन करेंगे तो क्रोधाकार वृत्ति तो हुई कि नहीं आपकी। आप देखो तो आपके मन में क्रोधाकार वृत्ति आप क्यों कर रहे हो, आपके मन को क्रोधाकार क्यों कर रहे हो आप? वो क्रोधी है कि नहीं हमको तो पता भी नहीं है। अब तो सुन सुन के भी हमें किसी के बारे में किसी भी प्रकार से ऐसा अभिप्राय बना के देने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारा मन बिगड़ेगा, हमारा मन क्रोधाकार हो गया, हमारा मन भोगाकार हो गया। आप देखो तो हमारे मन को बिगाड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप समझो ज्ञानी इसलिए न संकल्प कुरुते, ज्ञानी किसी भी प्रकार के कोई संकल्प नहीं करते हैं और इसलिए उनका मन प्रसन्न रहता है। आप सब महर्षि ने हमेशा कहते थे कि अन्य के बारे में आप जो चिंतन करेंगे उस प्रकार का मन तो आपका तो बन गया ना। और शास्त्र में लिखा है ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। अगर वो क्रोधी है, वो क्रोधी है करके क्रोधाकार वृत्ति आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में भी क्रोध आ जाएगा क्योंकि आप उसका चिंतन कर रहे हैं। तो आपको क्रोध का चिंतन करना है कि ईश्वर का चिंतन करना है? आप समझो इसीलिए कहते हैं संकल्पम न कुरुते, कोई संकल्प मत करो। ये गुड और बैड जो ना, अच्छा और बुरा जो किसको कहते हैं, छोड़ दो उसको, जो धर्म के अनुरूप है वो करते रहो। स्वधर्म निधनम श्रेय। और इसलिए कहते हैं नव्यसनम, उनके जीवन में बहुत दुख नहीं, उनके जीवन में प्रतिकूलता होती है लेकिन वो इतने दुखी नहीं होते हैं। हम छोटी छोटी बात पर दुखी होते रहते हैं, अरे विद्वत जन के जीवन में भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलता आती है लेकिन वो दुखी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संकल्प नहीं करते, प्रतिकूलता में भी वो प्रसन्न रह सकते हैं। मैंने देखा है स्वामी जी को, एक बार मुंबई में स्वामी जी जा रहे थे वडोदरा, तो जो स्वामी जी ऐसे बड़े 25 लोग को लेके एयरपोर्ट पर नहीं, आजकल के जो महात्मा करते हैं ना उसको एयरपोर्ट पर रखने के लिए अभी 25 लोग जाएंगे, उनको हार पहनाएंगे या क्या क्या करते हैं लोग, ये सब नाटक करते रहते। तो स्वामी जी को एक ही व्यक्ति गाड़ी में जाके स्वामी जी को एयरपोर्ट पर रख के आ जाता, वो व्यक्ति जो था वो गया देखा फ्लाइट टाइम पर है, तो बोलो स्वामी जी मैं जहां, बोलो अब जाओ अभी, वो चला गया। अब स्वामी जी अंदर गए, अंदर जाने के बाद 20 मिनट में ही अनाउंसमेंट हो गया कि ये फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। अब उस वक्त तो ये मोबाइल कुछ था ही नहीं, और स्वामी जी अपने साथ डायरी भी कोई नहीं रखते थे। स्वामी जी सोच में पड़ गए अभी क्या करें। फिर स्वामी जी के पास वो आश्रम का एक पैकेट था, तो उस पर वो आश्रम का फोन नंबर था, तो एयरपोर्ट पर जो फोन बूथ होते हैं ना वहां गए और आश्रम पर फोन किया और बोला स्वामी जी जो वहां थे कि देखो ये मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पर हूं अभी, वो आनंद मुझे रख के चला गया है और मेरी जो वडोदरा जाने की जो फ्लाइट है वो कैंसल हो गई है। अब मैं अभी प्रयत्न कर रहा हूं, दूसरी अगर कोई फ्लाइट मुझे मिल जाएगी मैं उस फ्लाइट में चला जाऊंगा, लेकिन आप वडोदरा फोन करके बता दो कि मेरी फ्लाइट कैंसल हुई है और कब मैं जाऊंगा पता नहीं। अब पूरे दिन स्वामी जी वहां एयरपोर्ट पर थे, शाम को स्वामी जी को एक फ्लाइट मिली और स्वामी जी वडोदरा रात को 8 बजे पहुंचे। अब तो वो जो वडोदरा में स्वामी जी थे, अब स्वामी जी को जाना था गोधरा, तो निर्णय ऐसा हुआ था कि स्वामी जी एयरपोर्ट पर आएंगे, वहां पर स्वामी जी को किसी के घर ले जाएंगे, वहां कुछ अल्पाहार करा के स्वामी जी को गोधरा हम छोड़ देंगे, ये निर्णय था। अब रात बज गए, 8 बज गए, तो जो वडोदरा वाले
स्वामी जी, तुमने गोदरा में बता दिया कि भाई स्वामी की रात रात हो गई है, अभी इतने रात को स्वामी जी को ले आना, उसकी जगह पर स्वामी जी को वहां आराम कराएंगे और सुबह 5 बजे निकल के 6 बजे हम आ जाएंगे। अब तो बोला कि ठीक है ऐसा करो। अब स्वामी जी आए और स्वामी जी मुंबई में भी सबको कहते मुझे गोदरा जाना है, मुझे गोदरा जाना है। अब वही गोदरा क्या पता नहीं किसी। अब फिर आए तो वहां एक अम्मा थी, तो सोचा कि स्वामी जी आ रहे हैं और स्वामी जी को भूख भी लगी होगी, तो वो कुछ स्वामी जी के बनाने के ले गई थी वहां। अब स्वामी जी का फ्लाइट जो है जल्दी आ गया। अब जल्दी आया तो वो जो वड़ोदरा स्वामी जी वहां पहुंचे नहीं थे, तो स्वामी जी दर्शन नहीं निकले, तो वो अम्मा मिल गई। तो अम्मा मिल गई, स्वामी जी अम्मा की घड़ी बैठ गई। तो बोला अम्मा ने कहा कि स्वामी जी, वो स्वामी जी आ रहे हैं वड़ोदरा वाले, तो ठीक है वो उनको आने दो, बैठते। बोला स्वामी जी कुछ मैं लेके आई। बोले हाँ थोड़ा मुझे खाना दे। तो स्वामी जी आराम से भोजन कर, अब पार्किंग एरिया में बैठ के स्वामी जी कुछ खा रहे थे। अब वो स्वामी जी वहां गए, देखा कोई नहीं है, तो किसी को जो द्वार पर होते उसको पूछ लिया। तो बोले हाँ एक स्वामी जी थे वो गए, वो तो पार्किंग में गए। वो स्वामी जी वहां गए, वो स्वामी जी आराम से भोजन कर रहे थे। बोले कि स्वामी जी हाँ मैं आ गया, वो अम्मा मेरे के लिए लेके आई थी, मैं भोजन कर। अब एक शांत, कोई किसी भी प्रकार से कंप्लेन नहीं, मुंबई में क्या हुआ कैसे टिकट मिली, कैसे फ्लाइट में आए, कुछ नहीं। आप सब हम तो क्या हल्ला बल्ला करके रख देते। फिर वड़ोदरा वाले स्वामी जी ने बताया कि स्वामी जी अब इतनी रात हो गई है, अब गोदरा मत जाइए, रात को 12 बज जाएंगे, वहां भी सबको 12 बज जाएंगे सबको, कल तो आपका प्रोग्राम भी है, तो आप यहाँ रात आराम से रह लो। अब स्वामी जी ने बोल दिया नहीं मैं गोदरा जाऊंगा, मैंने बोल दिया उनको कि मैं गोदरा आऊंगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया। अब तो स्वामी जी नहीं नहीं मुझे जाना है। तो एक दूसरा स्वामी जी का शिष्य वहां आया था, तो उसको स्वामी जी ने बताया नहीं नहीं मुझे तू गोदरा ले। वो गोदरा गए, तो यहां से फिर फोन किया वहां पर कि स्वामी जी आ रहे हैं। अब गोदरा वाले बहुत प्रसन्न थे कि स्वामी जी रात को भी आ जाएंगे, क्योंकि वो तो बैठे थे स्वामी जी के लिए। 11:30 बजे स्वामी जी गोदरा पहुंचे। पूरे दिन क्या हुआ ना, एक भी शब्द की बात स्वामी जी ने नहीं की। अब देखो ये कुछ नहीं किया स्वामी, जैसे वहां पहुंच गए हम लोग ने देखा स्वामी जी आ गए, वहां भी हमने स्वामी जी के लिए कुछ भोजन बना के रखा था। आए स्वामी जी, सब बच्चे सब इतने प्रसन्न स्वामी जी को देख के, स्वामी जी भी इतने प्रसन्न। देखो आ गया ना गोदरा में, मैंने कहा था ना मैं गोदरा आऊंगा, देखो मैं आ गया। पूरे दिन क्या क्या हुआ कुछ नहीं। अब फिर बैठ के सत्संग किया, थोड़ा भजन किया। फिर स्वामी जी धीरे से, मैंने कहा स्वामी जी थोड़ा बना के रखा है भोजन, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला मैं तो वड़ोदरा एयरपोर्ट पर खा के आया है, चलो थोड़ा दे दो। जो हो गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको पकड़ के रखते हैं। फिर 12 बजे स्वामी जी ने आराम करने के लिए गए। दूसरे दिन भी प्रातः काल उठ के कोई बात नहीं, मुंबई एयरपोर्ट पर क्या हुआ कैसे कुछ अभी भी मैं नहीं जानती हूं कि वहां क्या हुआ, क्योंकि स्वामी जी ने बताया नहीं। वहां 6 घंटे 7 घंटे स्वामी जी एयरपोर्ट पर रहे, वहां क्या हुआ कैसे हुआ कुछ बात नहीं। अब समझो न संकल्प हम गुरु दे, अब कोई संकल्प मत करो, जो स्वामी आपके सामने आता है उसी हिसाब से आप चलते रहो। अतः न व्यसनम बहु, और इसलिए ज्ञानी के जीवन में बहुत दुख नहीं होते हैं, क्योंकि वो पकड़ के नहीं रखते, हम पकड़ के रखते हैं। छोड़ दो, जितना आप छोड़ते रहेंगे ना, इसलिए क्या कर बुद्धवा आस्थाम उपसंहरण, आस्थाम उपसंहरण, किसी भी प्रकार की आसक्ति का त्याग करो। ये मेरा है ये तेरा है कुछ भी नहीं है, मेरा तेरा आप समझो, कुछ मेरा भी नहीं कुछ तेरा भी नहीं है, कुछ
सुख भी नहीं है, कुछ दुख भी नहीं है। और इसीलिए कोई संकल्प न कुरुते, ज्ञानी जन है वो कोई संकल्प नहीं करते हैं, और इसलिए उसके जीवन में दुख भी नहीं है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार से जन्म मरण के चक्र का आरंभ नहीं होता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि।